आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। उम्मीद है आप लोगों ने आपने ईद अच्छी तरह से मनाई होगी, खुशी से मनाई होगी। तो चलिए बच्चों, आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जिस पॉइंट की मैंने आपको परसों रजिस्ट्रेशन करवाई थी उसकी मैं आज समरी और कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी। ये समरी है, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। ये तो पता है आपको, लिखी किसने है ये? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब इसकी समरी में हम लिख रहे हैं, कहता है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर इज़ ए पोएम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये पोएम जो आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर है, ये किसने लिखी है? टैगोर ने लिखी है। टैगोर मदर पास्ड अवे व्हेन ही वॉज यंग। टैगोर की माँ जो है वो जब वो छोटे थे तभी गुजर गई थी। इसीलिए देयर फोर इन द पोएम ही एक्सप्रेसेस इन हिज इनएबिलिटी टू रिकॉल द फेस ऑफ हिज मदर। इसलिए इस पोएम में वो ये दिखाना चाहता है कि उसको अपनी माँ जो है वो याद नहीं है, उसका फेस याद नहीं है। मगर बट द पोएट रिकॉल्स हिज मदर एवरी टाइम व्हेन ही सीज व्हेन ही रिकॉल्स हिज मदर एवरी टाइम्स व्हेन व्हिच इज सीन व्हेन ही टॉक्स अबाउट द डिफरेंट इंसिडेंट्स ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही फील्स सीज एंड हर्ड्स हिज मदर। लेकिन वो दिखाने की कोशिश करता है कि नहीं, उसको अपनी माँ जो है, हालांकि उसने देखी नहीं है लेकिन फिर भी वो याद है, और वो कोशिश करता है उसको अपने माइंड में रिमाइंड करने की अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में। वो कहीं पे उसको फील करता है, कहीं पे उसको देखना देख उसको देखता भी है, कहीं पे उसको सुनता भी है। ही इज़ एबल टू हेयर द ट्यून दैट ही शेयर्ड विद हिज मदर इन हैप्पी मोमेंट्स। उसे वो ट्यून याद आती है, वो गाना याद आता है, वो गीत याद आती है, या वो म्यूज़िक याद आता है जो उसकी माँ और वो गुनगुनाया करते थे जब वो इकट्ठे होते थे, जब वो बहुत छोटे थे। ये वो गीत था जब उसकी माँ उसका झूला झुलाया करती थी और उसको सुलाने के लिए वो क्या गाती थी? लोरी गाती थी। ही रिकॉल्स द स्मेल ऑफ शुली फ्लावर्स दैट हिज मदर यूज टू वर्शिप ड्यूरिंग ऑटम। उसको उन फ्लावर्स की, जैसे ही मंदिर में जो है वो बेल बजती है तो उसको एकदम से उन फूलों की खुशबू जो है अंदर महसूस कर वो करता है, जो फूल उसकी माँ ले जाया करती थी मंदिर में पूजा करने के लिए। ही रिकॉल्स द इमेज ऑफ द क्लियर ब्लू स्काई विद टैगोर कंपेयर्स टू द स्टिलनेस ऑफ हिज मदर्स गेज। जो वो आसमान की तरफ देखता है, उस साफ क्लियर आसमान की तरफ देखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे ये उसकी माँ का चेहरा हो, ये पूरा आसमान उसकी माँ का चेहरा हो। और ये ऐसा लग रहा था कि जैसे ये चेहरा जो है, या इसकी आंखें जो है, या इस चेहरे की आंखें जो है, लगातार अपने बेटे की तरफ ही देख रही है। नटशल में ये कहा जाएगा कि जो ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं या कोई भी बच्चा जो है, अगर वो अपनी माँ को बचपन में खोता है तो उम्र भर अपनी माँ को नहीं भूल पाता है। वो कोशिश करता है अपनी माँ को रिमाइंड करने की अलग अलग तरीक़ों से हर वक्त, क्योंकि माँ के साथ बच्चे की अटैचमेंट ज़्यादा होती है। इसलिए बच्चा जो है वो अपनी माँ को हर एक जगह पे पाता है, हर एक जगह पे महसूस करने की कोशिश करता है। अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग है। पहला वर्ड है हॉवर। हॉवर मतलब होता है, जैसे ये कहता है कि जब ये खेलता था अपने खिलौने के साथ, ऐसा लगता था कि खिलौनों के ऊपर जो है कोई चीज़ आके रुक गई हो। वो क्या लगा था, वो उसकी जो वो रिंग टोन थी या जो वो हमिंग थी, जो वो लोरी गाती थी, वो लोरी जो है उस माँ की उन खिलौनों के ऊपर रुक जाती थी। हम का मतलब है टू मेक ए कंटिन्यूस लो साउंड, जो एक माँ करती है बच्चों को जब सुलाती है, ऐसे करती है ताकि बच्चे को नींद आ जाए, आराम आ जाए। रॉक का मतलब है, अगर वर्ब ले तो जलाना, और अगर नाउन ले तो ये एक किस्म का म्यूज़िक भी होता है। क्रैडल का मतलब होता है झूला, जिसमें बच्चे को रखा जाता है, उसको जलाया जाता है। और गेज़ का मतलब है टू लुक एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी चीज़ की तरफ बहुत देर तक देखते रहना। अब है क्वेश्चन नंबर 1।
कहते हैं व्हाट इज़ द पोइट डूइंग व्हेन ही रिमेंबर्स हिज मदर, जब ये पोइट अपनी माँ को याद करता है उस टाइम क्या कर रहा होता है, ये उस टाइम अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ करता है। एक बच्चा जो करता है क्या करता है, वो खेल रहा होता है, तो पोइट इज़ प्लेइंग वॉचिंग द मॉर्निंग प्रेयर इन द टेम्पल एंड लुकिंग एट द क्लियर स्काई व्हेन ही रिमेंबर्स हिज मदर। यहाँ पे तीन ही इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं कि कब वो अपनी माँ को याद करता है, हालांकि वो हमेशा करता है लेकिन यहाँ पे तीन ही इंसिडेंट्स का बताया हुआ है। पहला है कि जब वो खेलता है अपने खिलौनों के साथ तब, दूसरा जबकि उसके जो प्रेयर का जो टाइम होता है सुबह का टाइम होता है तब, और तीसरा जब वो आसमान की तरफ क्लियर स्काई की तरफ देखता है। दूसरा क्वेश्चन, इन व्हाट वे डज द पोइट फील द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर, उसे अपनी माँ कैसे दिख लगता है कि उसकी माँ उसके पास है। एक तो वो सुनता है, द पोइट हियर्स द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग फेमिलियर टू हिम विच इज मदर यूज टू हम वाइल रॉकिंग हिज कैडल। तो हमने पहले भी पढ़ा कि हम ये वो एक म्यूज़िक एक गाना सुनता है जैसे कि उसकी माँ जो है वो गाया करती थी या लोरी सुनाया करती थी जब वो उसका झूला जलाया करती थी बचपन में। ही फील्स द स्मेल ऑफ शूली फ्लावर, उसको उन फूलों की खुशबू जैसी आती है जो उसकी माँ यूज़ करती थी पूजा में। ही फील्स एज इफ हिज मदर गेज ऑन हिज फेस व्हेन ही लुक्स एट द स्काई, और जब वो आसमान की तरफ देखता है तब उसको लगता है कि उसकी माँ जो है लगातार टकटकी लगा के उसकी तरफ देख रही है। वॉट इज द पॉइंट हियर व्हेन ही इज एट प्ले, बच्चा जो है जब खेलता है तो क्या सुनता है, ये बार बार यही रिपीट हो रहे हैं सारे हैं। बच्चा सुनता है वही गाना या वही लोरी जो उसकी माँ उसको सुनाया करती थी जब वो छोटा हो था और जब वो उसको सुलाने की कोशिश करती थी किस में, झूले में। ये तीन क्वेश्चन है बच्चे और ये समरी है, कल हम इसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं कुछ ग्रामर में भी कुछ करवाऊंगी मैं आपको कल। ओके बेटा, आदाब।